वकील जितेंद्र कुमार की हत्या पटना पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। खुद हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी साहब है, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो पटना पुलिस के लिए चुनौती था, ये पूरा मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ कारण था हत्या का। सर, जो पूरा मामला था, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, क्या कुछ? हाँ, जितेंद्र कुमार जी जो कि पटना हाईकोर्ट में वकील थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। तो उसमें 9 लोगों को एक्यूज बनाया गया था, जिसमें कि उनकी पत्नी, उनका साला भी एक्यूज थे, सास ससुर भी एक्यूज थे। तो 4 अभियुक्तों को हमने उसी वक्त पकड़ लिया था और अभी हमने बाकी 4 को और पकड़ा है जो कि शूटर हैं, जो कि गोली मारने में शामिल थे। और ये पता चला है कि जो शूटर हैं, जो कि सुपारी किलिंग हुई थी, वो पूर्व में भी कई घटनाएं कर चुके हैं, हत्या की और बड़ी बड़ी लूट डकैती की घटनाएं कर चुके हैं। तो अब पुलिस ने जो त्वरित गति से कार्रवाई दिखाई, उसमें इसी केस का उद्भेदन नहीं हुआ, और भी कम से कम 8-10 केसेस का उद्भेदन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो SIT हमने गठित की थी और आईजी साहब के निर्देशन में मेरे अंडर में जो SIT गठित की गई थी, तो उसने सफलतापूर्वक 72 घंटे के अंतर ही इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन सफलतापूर्वक कर लिया। सर, अगर सीधे तौर पे बात कर ली जाए तो कितना दिन से रेकी कर रहे थे और ये जो मास्टरमाइंड है लक्ष्मण राय, कितना बड़ा अपराधी और कितने पैसे में डील हुई थी पूरी रणनीति? 6 महीने से साजिश, 6 महीने पूर्व साजिश रची गई थी इस घटनाक्रम की। 3 बार पूर्व में भी अटैक हो चुका था और इस बार इन लोगों ने जब अटैक किया तो इन लोगों को सफलता मिली। परंतु इस घटना में उनको मालूम नहीं था कि पुलिस इतनी तेजी से कार्रवाई करेगी कि जितने भी इस घटनाक्रम में शामिल लोग हैं सभी पकड़े जाएंगे और सबको पकड़ लिया गया। 6 लाख में डील हुआ था सर? हाँ, जो सुपारी किलिंग 6 लाख में वो फिक्स की गई थी और जो जमीन थी 1 बीघा की, उसको बेचने को लेके सारा विवाद था, इसी कारण ये हत्या हुई। देखिए, सीधे तौर पे DIG राजेश कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कहीं ना कहीं चुनौती भर रहा था। इस पूरे मामले पे 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पूरा हत्या का कारण था जो जमीनी विवाद से था और पत्नी की भी अहम भूमिका थी। अभी थोड़ा हाथ अंदर कर। संतोष की हाथिया ना जी, सब खिला देगा फोटोग्राफी में, माफ कर दो, बीच में नहीं हुआ सब मार लिया। अरे हाथिया ना भाई, चल चल, इधर मुड़, हल्का हल्का मुड़, चल चल, ठीक है, चल सरकार।